क्या नाम है आपका? अमित नेगिया भाई। कहाँ से आए सर? मैं आया हूँ रुद्रप्रयाग के, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग से आए हैं जी। दौड़ हो गई आपकी? हाँ भैया हो गई, और बाहर भी हो गया उसमें। दौड़ का एक्सपीरियंस थोड़ा मेरे दर्शकों को बताइए आप। एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा इस बार, क्योंकि इस बार बहुत कम भी ले रहे हैं बंदे, और सबको लगा था अग्निपथ योजना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कम बंदे ले रहे हैं। 300 में से 10-12 बंदे ले रहे हैं, ऐसे में क्या होगा, आप ही लगा लो। सारे युवा यहाँ पे बेरोजगार हैं और भर्ती पे ही अटके पड़े थे कि भर्ती आएगी तो भर्ती देंगे, और मतलब सबका ऐसा था कि हमारा थोड़ा घर घुर भी है, घर से सब जो अच्छे घर के वो तो आते नहीं, आपको पता होंगे गरीब घर के ही आते हैं, तो लोगों को लगा कि इस बार भर्ती टाइमिंग ज़्यादा देंगे, लेकिन सबसे ख़त्म टाइमिंग दी है इन्होंने। ऐसे ही कुमाऊँ में चल रहा है, कुमाऊँ में तो अच्छा 5:30-5:40 की टाइमिंग दे रहे हैं, अगर यहाँ पे भी उतनी टाइमिंग देते कम से कम, मतलब जितना आपने मेंशन किया है उतनी टाइमिंग तो दो, 5:45 लिखा है और आप 5:10 की टाइमिंग दे रहे हो, ये तो बहुत गलत हो रहा है युवाओं के साथ। और सर गांव कहाँ है आपका? गांव मेरा है तिलवाड़ा में, तैला में, ये है रुद्रप्रयाग में। कितना चल रहा है पैदल? तो मेरे गाँव के लिए कम ही है, क्योंकि गाँव तक सड़क चली जाती है, लेकिन मैं पिछले 2 साल से यूथ फाउंडेशन में रहा हूँ, काफ़ी मेहनत की है, और मेहनत करके क्या फ़ायदा, अगर बंदा पीछे लग जाए या बीच में फंस जाए तो हमेशा वो पीछे ही रहता है दोस्तों। परिवार में कौन कौन है और क्या क्या करते हैं? मेरे पापा हैं जो कि ओला में गाड़ी चलाते हैं दिल्ली में। अच्छा, ओला ऑनलाइन? हाँ प्राइवेट जॉब वाले हैं। अच्छा। गवर्नमेंट जॉब वाले होते तो हम आते भी नहीं यहाँ पे, अपना बिजनेस करते घर बैठ के, आप क्या करें, मजबूरी है तो आना है ही, जॉब भी चाहिए हर किसी को। अच्छा ये भी सुनने में आया है कि कुछ अपने बंदों को आगे? हाँ भैया ऐसे तो हो रहा है, रात ही बता रहे हैं वो GRRRC में कौन है, लैंसडाउन में कौन है, सेंटर में कौन है, तो लड़के हाथ खड़े कर रहे हैं और उनको आगे का सीरियल नंबर दिया जा रहा है, और जो सीरियल नंबर जब लाइन स्टार्ट होती है ना 300 बंदों की, जो टॉप के 10 बंदे रहते हैं, जो 10 लाइनें बनती हैं उन पे आगे उन्हीं के बंदे रहते हैं, हाथ पे रुमाल सब बांध रखे हैं, तो आप देख लेना दोस्तों कैसा चल रहा है यहाँ पे, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा भर्ती है। और भर्ती में परसों भर्ती का उद्घाटन करने भी एक युवा नेता आ रखे थे, जबकि ऐसा नेता नुता कोई नहीं आता है, और मीडिया को भी अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब समझ सकते हो, पहले वहाँ से कोई भी लड़के बाहर से वीडियो बना लेते थे, अब वो वीडियो बनाने भी नहीं दी जा रही है, क्योंकि पिछले साल इनकी वीडियो एक वायरल हुई है जिसमें एक लड़का आधे ग्राउंड से उठ के गया था, अगर आपको पता होगा, आपने देखी नहीं होगी तो। और भैया अच्छा ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था। लास्ट अटेम्प्ट है जी भैया। तो क्या आगे भविष्य में क्या करना है? अब तो सोचना ही नहीं है, इस बार तो ऐसा सीन हो रहा है, ओपन वालों ने भी मेहनत से ओपन बोर्ड किया 2-3 बार ओपन, भले वो अंदर रेस भी उन्होंने अपनी मेहनत से निकाली, या तो पहले ही वोट देते कि ओपन बोर्ड वालों को अलाउ नहीं है, या तो पहले कुछ बोला नहीं, अब उन्होंने अपनी मेहनत से रेस निकाली, अंदर डॉक्यूमेंटेशन में उनको बाहर कर रहे हैं, तो यार बंदे अब क्या करें, जब जॉब मिल ही नहीं रहे तभी तो ओपन कर रहे हैं, वो ओपन करके वो कौन सा गलत कर रहे हैं, ओपन में भी पढ़ाई करनी पड़ती है, पेपर देना पड़ता है, ऐसे तो है नहीं कि 10,000 में ऐसे ही रिजल्ट ले लिया। और जब आपने पहले भी भर्ती की है तो पहले वाली भर्ती और इस भर्ती में कितना डिफरेंस देखा, और पहले वाली भर्ती अच्छी थी या ये वाली भर्ती अच्छी है? भैया पहले की भर्तियां तो बहुत सही होती थी, उस टाइम टाइमिंग भी ज़्यादा देते थे और सब कुछ अच्छे से होता था, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता था ये लैंसडाउन वाला सीन कि ऐसे धांधली होती भी होगी तो उतना पता नहीं था, लेकिन इस बार युवाओं के साथ बहुत गलत हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये है रिकड़ी खाल के अमित नेगी जी, सॉरी रुद्रप्रयाग के अमित नेगी जी हैं, और अमित नेगी जी का यूट्यूब चैनल भी है, अब भर्ती के इनके सारे चांस जो हैं खत्म हो चुके हैं, और अब प्राइवेट जॉब इन्होंने करना है।